अब खबरें विस्तार से। इस्को स्टील प्लांट के नए कारखाने का काम पूरा होने की तरफ ज्यो ज्यो बढ़ रहा है, त्यों त्यों विदेशी एजेंसियों से जुड़े विशेषज्ञों तथा सेल के शीर्ष अधिकारियों के बन पुराने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इन दौरों का प्रत्यक्ष लाभ भी नए कारखाने में दिख रहा है। सिलसिलेवार इन दौरों का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य रहा करता है इस नए प्लांट को यथाशीघ्र निष्पादन कार्य से जोड़ना। गत 31 अगस्त 2013 को हमारे सेल के अध्यक्ष श्री चंद्र शेखर वर्मा अपने दौरे पर बनपुर पधारे। उनके साथ डायरेक्टर टेक्निकल श्री एस एस मोहंती, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स एंड बीपी श्री टी एस सुरेश तथा ईडी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेट ऑफिस श्री एस सी जैन भी थे। उनके बनपुर हाउस पहुंचने पर हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पी एंड ए श्री प्रदीप सहाय ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। तदोपरांत डीआईजी सीआईएसएफ श्री अरुण कुमार के नेतृत्व में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नए प्लांट के दौरे पर निकलते समय हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री नरेंद्र कोठारी उनके साथ थे। उनके कारवा के सेंटर प्लांट पहुंचने पर जीएम प्रोजेक्ट श्री ओपी तिवारी ने उनकी अगवानी की। ब्लास्ट फर्नेस क्षेत्र में उन्होंने ट्री प्लांटेशन कार्यक्रम में भाग लिया तथा सेंटर प्लांट, सीसीपी, बीओएफ आदि की गतिविधियों को देखने में गहरी रुचि दिखाई। अपराह्न में उन्होंने बनपुर हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम में प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग में भाग लिया तथा नए प्लांट के अब तक चालू ना हो सके विभागों को यथाशीघ्र चालू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी। इसके अलावा नए प्लांट के विभिन्न मुद्दों पर भी उन्होंने सलाह मशविरा किया। सीआईएसएफ द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के बाद वे पानागढ़ एयरफोर्स बेस के लिए रवाना हुए।